हाय ऑल, वेलकम यू ऑल टू दिस सीरीज कॉल्ड जेई क्लासेस, जहां पर हम जेई के कुछ मजेदार सवाल, कुछ अटपटे सवाल या फिर जेई से रिलेटेड कुछ क्लासिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक प्रॉब्लम्स। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस इन जेई एडवांस 2019। सो दिस वाज अटेम्प्टेड बाय 1,48,331, सो ऑलमोस्ट 85। सो 85% स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया था, बट ओनली 80 ओनली 20% ऑफ देम हु मार्क्ड वर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर टू दिस वन। सो 80% लोगों का ये आंसर गलत हुआ था। तो जानना चाहते हो ये सवाल क्या था, सो लेट अस लुक एट इट एंड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। सो द सवाल, द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू वेक्टर्स। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इफ ए इज अ वेक्टर 2i प्लस j माइनस k कैप एंड बी इज अ वेक्टर i प्लस 2j प्लस k कैप बी टू वेक्टर्स। सो कंसीडर द वेक्टर c व्हिच इज अल्फा ए प्लस बीटा बी। अल्फा बीटा रियल। If the projection of vector C on the vector A plus B is 3 root 2, then find the minimum value of this. So again, very, very good question, I would say. Again, it seemed simple, थोड़ा सिंपल लग रहा था, एंड दैट इज द रीजन मे बी लॉट ऑफ देम, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। सो ऑलमोस्ट 85% ऑफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, एंड बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव द राइट आंसर टू दिस वाज वेरी लेस। सो गाइज, अगर तुम्हें वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पता है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो राइट अवे एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन एंड सी इफ यू आर गेटिंग द आंसर। अदरवाइज अटेम्प्ट करने के बाद वेयर यू गेट द डेड लॉक, अगर इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे तब इस वीडियो को देखने की कोशिश करना, इसका सोल्यूशन। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सो क्या है, कैसे सोचेंगे इसको? सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन दिस, सो हाउ डू वी राइट दिस? सो सी डॉट a प्लस बी अपॉन मॉड ए प्लस बी, दिस इज 3√2। सो दिस इज वन इंफॉर्मेशन जो गिवन है। हमें किसका मिनिमम वैल्यू बताना है? हमें इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, c माइनस ए डॉट बी डॉट सी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज मॉड c का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इट विल बी a क्रॉस b डॉट c, a क्रॉस b डॉट c। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू जो हमें निकालना है। अब अच्छा, अगर ध्यान से देखो, सी वेक्टर इज नथिंग बट अल्फा ए प्लस बीटा बी, अल्फा ए प्लस बीटा बी। सो मॉड सी का होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, दिस विल बी ए क्रॉस बी डॉट अल्फा ए प्लस बीटा टाइम्स ए क्रॉस बी डॉट बी। तो यहां से चीजें थोड़ी सी आसान होनी शुरू हो जाती हैं बिकॉज हमें पता है कि दिस वुड बी जीरो, दिस वुड बी जीरो। ठीक है, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, टू ऑफ द वेक्टर्स आर सेम, द वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। सो स्केलर बॉक्स ऑफ ए बी ए विल बी जीरो एंड सिमिलरली बॉक्स ऑफ ए बी बी विल ऑल्सो बी जीरो। तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा जीरो है, नल। तो बेसिकली मॉड ऑफ सी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू बताना है, एंड मॉड ऑफ सी स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी, मॉड ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी। सो दिस इज अल्फा स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ए डॉट बी। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, व्हाट इज मॉड ऑफ ए? सो क्लियरली मॉड ऑफ ए इज रूट 6, सिमिलरली मॉड ऑफ बी इज रूट 6, एंड ए डॉट बी अगर हम निकालने की कोशिश करें बच्चों, तो ए डॉट बी विल बी 2 प्लस 2 माइनस 1, दैट मीन्स 3, that means 3. So this is 3. So basically what we have, minimum values nikalna hai mod of c ka. So mod of c square is nothing but 6 times alpha square plus beta square. And yahan par ye wala value bhi bache 3 aa raha hai. So 2 into 3 will be 6. So 6 times alpha beta. So iska mujhe minimum value nikalna hai. So kya nikalna hai? Ye sorted hai. We need to find the minimum value of this expression, 6 times alpha square plus beta square plus alpha beta. अब alpha beta में relation कैसे आएगा? एक और information दिया हुआ है. This is the information which is given to us. तो इसको simplify करने का कोशिश करते हैं. तो c dot a plus b upon mod of a plus b is 3 root 2. तो c dot a plus b upon mod of a plus b. So अगर मैं a plus b vector निकालने की कोशिश करूं बच्चे, a plus b is 3i cap, प्लस 3 जे कैप माइनस 0 के कैप।
इसका मॉड मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ ए प्लस बी इज 3√2. दिस इज गिवन टू अस. सो क्लियरली मॉड ऑफ ए प्लस बी इज 3√2. इसका मतलब सी डॉट ए प्लस बी इज 3√2 इंटू 3√2 दैट विल बी 3 × 3 9 इंटू 2 इज 18. अब यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, यहां से कैन आई गेट अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, बिकॉज रिमेंबर हमें इसका वैल्यू निकालना है. इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, इसका वैल्यू इज ऑलरेडी दिस. वी नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो उसके लिए मुझे अल्फा और बीटा में कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए. सो दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट यूजिंग द इन्फॉर्मेशन विच वॉज गिवन. अब सी डॉट ए प्लस बी, नाउ सी इज अल्फा ए प्लस बीटा बी. सो अल्फा टाइम्स ए, सो दिस टाइम्स अल्फा प्लस दिस टाइम्स बीटा. तो इनको अगर मैं ऐड करता हूं अल्फा ए प्लस बीटा बी, अल्फा और बीटा की टर्म्स में क्या रिलेशन बन जाता है देखो बच्चों. सो दिस विल बी 2 अल्फा प्लस बीटा टाइम्स आई कैप, बहुत बढ़िया, प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा टाइम्स जे कैप, बहुत बढ़िया. यहां पर क्या आएगा बच्चे, प्लस ऑफ माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स के कैप, माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स के कैप. नाउ इसका डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस बी, अब ए प्लस बी इज 3 ए प्लस 3 जे, सो दिस मींस 3 टाइम्स 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस 2 बीटा, दिस इज 18. ये 3 से 3, यहां से 6 कैंसिल हो गए. सो दैट मींस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 6, गिविंग अस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू. सो भैया अल्फा प्लस बीटा में एक रिलेशन आ गया, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका मिनिमम एक्सप्रेशन फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना. सो हाउ डू वी डू, किस तरीके से करें. तो 6 टाइम्स कैन आई राइट दिस एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा. और बच्चों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमने 2 निकाल लिया है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू वुड बी 6 टाइम्स. लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, अलग पेन इस्तेमाल करते हैं. तो 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 माइनस अल्फा बीटा. तो इसका हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, सो दैट मींस 24 माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, या फिर 6 कॉमन ही ले लो, इसको भी इसी तरीके से करते हैं. सो अल्फा और बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन भी पता है. सो यहां पर क्या कहते हैं, किसी एक को खत्म करते हैं, लेट बीटा इज 2 माइनस अल्फा, लेट बीटा इज 2 माइनस अल्फा, सो इट विल बी 6 टाइम्स 4 प्लस 2 अल्फा माइनस, सॉरी 4 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर. तो मुझे मिनिमम वैल्यू किसका निकालना है, यहां पर लिख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज स्पेस का कमी है. तो 6 टाइम्स मॉड ऑफ सी इज 6 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4, दिस इज द मिनिमम वैल्यू दैट वी नीड टू फाइंड. सो 6 टाइम्स इट विल बी अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायरिंग कंप्लीशन, या फिर क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू हम वैसे ही निकाल सकते हैं, माइनस डी बाय 4 है, बट अगर स्क्वायर कंप्लीशन जानते हो तो ये हो गया. और जैसे ही ये हुआ बच्चे, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ गया 6 इंटू 3 विच इज 18. और कब होगा ये, जब अल्फा का वैल्यू 1 होगा और बीटा का वैल्यू भी 1 होगा. इनफैक्ट ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन था, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, और मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू तभी एग्जिस्ट करती है जब सिमेट्री होती है. तो अल्फा प्लस बीटा अगर 2 है तो अल्फा और बीटा दोनों को 1-1 कर दो. सो 1² + 1² + 1 6 इंटू 3 18, अदरवाइज यहां से भी आ गया. सो 18 वॉज द राइट आंसर. अब ना जाने क्यों बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर मार्क किया था. ऑलमोस्ट 80% ऑफ दोज हु मार्क्ड इट who attempted this question gave the wrong answer to this question, and I have no reason why aisa kyun kiya tha un bachon ne, but kuch na kuch reason ho sakta hai, but the question seemed to be easy because vectors ka question isliye easy lagte bhi hain because kahin na har bachcha 11th class mein physics mein vector seekhta hai, and 12th class mein aate he becomes very complacent, he or she becomes very complacent ki ha yaar mujhe vectors aata hai. बट गाइज मैथमेटिक्स में वेक्टर्स एक अलग लेवल पे चला जाता है, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स लाइक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, जो कि प्रोजेक्शन तो चलो फिर भी आती है, जो कि नॉर्मली फिजिक्स में वेक्टर्स में बताई नहीं जाती. एंड बच्चे इसलिए ट्वेल्थ में आते आते जब वेक्टर्स करते हैं तो दे फील वेरी कॉम्प्लिसेंट कि हमें वेक्टर्स आता है, बट देर आर सर्टन रूल्स जो सिर्फ मैथमेटिक्स में ही फॉलो होते हैं. सो दिस इज वन एडवाइस फॉर मी फ्रॉम माई साइड.
सो देयर आर सर्टेन चैप्टर्स लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन काफी हद तक, एंड वेक्टर सीडी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. जस्ट दैट अ चाइल्ड अ स्टूडेंट फील्स वेरी कॉम्प्लेसेंट जब वो 11th क्लास से 12th क्लास में आता है, बिकॉज ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी हद तक वो 11th क्लास में अच्छे क्वेश्चंस में फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में यूज कर सकते. सो बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन उस बच्चे को आती है और बेसिक वेक्टर्स भी आता है. बट 12th क्लास का वेक्टर अलग लेवल पे है, जेई का वेक्टर अलग लेवल पे है. सो इसको इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग है और काफी अच्छे मार्क्स, काफी जल्दी मार्क्स बहुत कम टाइम पे आ जाते हैं. राइट, सो हालांकि ये वाला क्वेश्चन वॉज अ बिट ऑन द लेंथियर साइड आई वुड से, बट इस तरह के क्वेश्चन बच्चे करने पड़ेंगे तुम्हें, बिकॉज चाहे लेंदी भी हैं बट डुएबल है, एंड इसी तरह के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके वी नीड टू प्रोसीड, स्पेशली इन केस ऑफ जेई एडवांस. सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन. येस, सो सी वॉज दिस, प्रोजेक्शन से एक रिलेशन आ गया, और मॉड ऑफ सी होल स्क्वायर निकालना है जो कि एक्सप्रेशन अल्फा और बीटा में था, और बीटा को अगर अल्फा के टर्म्स में पुट करेंगे तो इट विल बी 6 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4. एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4 को क्या ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 3. सो दिस विल बी अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3. सो मिनिमम वैल्यू इसका 3 है जब अल्फा का वैल्यू 1 है, एंड ओवरऑल मिनिमम वैल्यू वुड बी 18. अगेन इसका मिनिमम एक्सप्रेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो मिनिमम एक्सप्रेशन हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, माइनस डी बाई फोर इज भी निकाल सकते हैं. आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन. हैप्पी लर्निंग.